मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 20 साल की रिलीजियस ओसीडी ऑनलाइन काउंसलिंग से हुई ठीक, 5 ऑनलाइन काउंसलिंग और 20 साल की रिलीजियस ओसीडी से मुक्ति। आज एक ऐसे ही सक्सेस इंसान की स्टोरी। आखिर उनको 20 साल से ओसीडी थी और उनको भगवान के प्रति सेक्सुअल गंदे विचार आते थे, मरने मारने के विचार आते थे, डर बना रहता था और माफी या मन्नत मांगनी पड़ती थी। आइए उन्हीं के अनुभव जानते हैं उन्हीं के मुखारविंद से। जी आपका वेलकम है। थैंक यू सर। जी तो सभी व्यूअर को पहले ये बताएं भी आपको कितने साल की रिलीजियस ओसीडी थी। मेरे को 20 साल की रिलीजियस ओसीडी थी। जी तो आपको क्या क्या लक्षण पेश आ रहे थे वो सभी व्यूअर को बताएं। भगवान का मंदिर, फोटो फोटो मूर्ति ऐसे डर लगता था जी, और भगवान कुछ चक्कर न जाए इसके लिए मन्नत मांगनी पड़ती थी, माफी मांगनी पड़ती थी। और एक चीज सीधी में उठाता था, रखता था दो तीन बार जी, आगे पीछे चलते वक्त आगे पीछे करता था जी। ये सब मेरे साथ ऐसा होता था। तो आपकी अभी तक कितनी ऑनलाइन काउंसलिंग हो चुकी है? मेरी अभी तक 5 हो गई है। जी तो 5 क्लास में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 5 क्लास में अच्छा महसूस होता रहा हूँ। पहले 2 ही क्लास से मुझे बहुत आराम मिला जी, और अब मेरी 99% ओसीडी ठीक हो चुकी है। वेरी गुड, आपकी 99% ओसीडी बिल्कुल रिकवर हो गई है। तो आपने ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसा क्या जाना कि आपकी 99% ओसीडी रिकवर हो गई? भगवान मूर्ति या फोटो में नहीं होते जी, इस प्रकृति का नियम को ही भगवान कहा गया है जी, ये मुझे बात पता चले जी। जी इसी एक ही बात ने आपके सारे डाउट डर खत्म कर दिए। हाँ, इसके अलावा आप उन हजारों लाखों रिलीजियस ओसीडी सफरर को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आज भी परेशान हैं, जूझ रहे हैं या ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं ले पा रहे हैं? भगवान की मूर्ति या फोटो से डरना नहीं चाहिए, बार बार मन्नत नहीं मांगनी चाहिए, माफी नहीं मांगनी चाहिए, प्रकृति ही भगवान है, भगवान से डरना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, प्रकृति ही भगवान है और भगवान से डरने की जरूरत नहीं। इसके अलावा और क्या क्या ऐसी बातें रही, ऐसी खास बातें रही कि आप अपने डर पर काबू पाने में सक्षम हो पाए? क्या क्या बातें हुई? जी जी जी, ऐसी कौन सी बातें रही जो आपको बहुत अच्छी लगी? साइकोथेरेपी अच्छी लगी जी, और जो पूरा तरीके का जो समझाने का तरीका है जी वो अच्छा लगा जी। और मेरे को पहले से भरोसा था जी, मैं इधर से काउंसलिंग लेगा तो अच्छा ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल, और वो मेरी भरोसा बराबर है जी। ये आपके भरोसे की जीत हुई है। हाँ, तो आपके मन में भी कभी ये आया कि ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, ये लोग पता नहीं कैसे बातें बोल देते हैं, ये उन्हीं के आदमी हो, ऐसा कभी आपके मन में आया? नहीं नहीं, मेरे को कभी नहीं आया जी। मेरे को 100% भरोसा था ये फ्रॉड कुछ नहीं है, काउंसलिंग ले सकते हैं जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने अनुभव सभी व्यूअर के साथ शेयर किए और आप हमेशा इसी प्रकार जिंदगी में खुश रहें, अपने काम को एंजॉय से करते रहें। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।